आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान रंजीत मौर्य जी के इस कमेंट को। इन्होंने SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्लेटिना प्लस प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप भी स्मार्ट प्लेटिना प्लस प्लान की डिटेल को समझना चाहते हो उदाहरण के साथ, तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, क्योंकि हमने आपका समय बचाने के लिए इस वीडियो का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, क्योंकि हम हर एक वीडियो लाते हैं आप ही लोगों के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार, जिससे कि आपको सोल्यूशन मिल सके आपके मुताबिक। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके काम आएगा। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर प्लान की। ये जो प्लान है ये एक नो लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यानी कि आप जो प्रीमियम पे करेंगे उसको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। कंपनी समय समय पे बोनस भी अनाउंस करेगी और जब तक आप पॉलिसी टर्म में बने रहेंगे आपका लाइफ कवर बना रहेगा। इसी के साथ इस प्लान में आपको एक गारंटेड इनकम भी मिलती है लगातार रेगुलर बेसिस पे, और गारंटेड इनकम मिलने के साथ में जो लाइफ कवर है वो भी बना रहता है। अब किस तरीके से कॉम्बिनेशन वर्क करेगा आगे चल के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन अभी हम जान लेते हैं बेनिफिट की जानकारी। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है जी, यहाँ पे जो गारंटेड है वो है आपका गारंटेड सर्वाइवल इनकम, या जिसे आप गारंटेड इनकम बेनिफिट भी कह सकते हैं, जो कि आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म के कम्प्लीट होने के बाद से आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है सालाना किस्त में, राइट। GSI का मतलब है यहाँ पे गारंटेड सर्वाइवल इनकम। ये आपके बेसिक समर जॉब का एक निश्चित प्रतिशत होता है, और ये जो प्रतिशत है ये निर्भर करता है कि आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म कितने साल का लिया है और उसी के साथ आप सालाना बेसिक प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम, इसे आप नॉन गारंटेड इनकम बेनिफिट भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, ये कैश बोनस का जो रेट होता है उसका गुणा कर दिया जाता है आपके बेसिक समर शॉर्ट पे, और सालाना बेसिस पे आपको ये मिलता है, यानी कि अर्ली मोड पे। ये कब मिलना शुरू होता है, जब आपके पॉलिसी के 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं। और ये जो कैश बोनस का रेट है ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये आगे चल के भविष्य में लगातार बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, राइट, क्योंकि टोटली कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जिसे यहाँ पे गारंटेड रखा गया है, प्लस टर्मिनल बोनस, और उसके साथ में अक्योर्ड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि ये जो गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है ये है क्या। गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का मतलब है जितना भी प्रीमियम आपने बेस प्रीमियम पे किया है वो आपको वापस मिल जाएगा मैच्योरिटी। उसी के साथ टर्मिनल बोनस का मतलब है कि वो बोनस जो आपको मैच्योरिटी पे कंपनी के अनुसार मिलेगा, राइट, यानी कि पहले से फिक्स नहीं है, कंपनी ही बता सकती है इसके बारे में। अक्योर्ड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट का मतलब है, अक्योर्ड का मतलब हुआ इकट्ठा करना, सर्वाइवल इनकम बेनिफिट आपको पता ही है, मतलब कि आपने सर्वाइवल इनकम बेनिफिट जो है वो किस्तों में ना लेकर के, मतलब सालाना मोड में मिल रहा है वो ना लेकर के आपने बना रहने दिया प्लान के अंदर, जो कि इकट्ठा होता रहा वो आपको मैच्योरिटी पे मिल गया, ऐसा इसमें हम कर सकते हैं। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो गारंटेड सर्वाइवल इनकम के साथ में सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिल जाएगा। इंटरिम नॉन, GSI का मतलब है नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम। टी बोनस का मतलब है टर्मिनल बोनस, राइट। अब बात आती है यहाँ पे कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ है क्या। सम अश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है जो डेथ बेनिफिट फैक्टर है, या डेथ मल्टीप्लाई भी कह सकते हो उसको, आप उसका आप गुणा कर देंगे सालाना बेसिक प्रीमियम में, सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे जी सर्वाइवल इनकम का मतलब है यहाँ पे गारंटेड सर्वाइवल इनकम, यानी कि जिस साल में डेथ हुई है अगर उस साल गारंटेड सर्वाइवल इनकम मिलना था तो वो मिल जाएगा। अब इंटरिम नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम का मतलब है वो नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम जो आपको पॉलिसी के 7 साल के बाद से मिलना चालू होनी थी। बाकी टर्मिनल बोनस आपको पता है कंपनी बताएगी, और इसके साथ में अक्यूमुलेटेड डेफर्ड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट भी होगा अगर तो वो भी मिल जाएगा, राइट। यानी कि आपने सर्वाइवल इनकम बेनिफिट को जो कि गारंटेड और नॉन गारंटेड है उसको आपने ना लेकर के प्लान में ही इकट्ठा करते रहे हैं तो वो भी मिल जाएगा, उसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं अक्यूमुलेटेड सर्वाइवल बेनिफिट। बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एंट्री एज का लिमिट रखा गया है 30 दिन से लेके 55 साल, मैच्योरिटी एज का लिमिट है 100 साल, पॉलिसी टर्म का मतलब है कि 100 में से आप अपनी आयु को घटा लीजिए, प्रीमियम पेमेंट टर्म का मतलब है 10 साल 12 साल 15 साल 3 ऑप्शन है, मिनिमम सालाना प्रीमियम का लिमिट है 30,000 रुपए का, और जो बेसिक सम अश्योर्ड का लिमिट है मिनिमम वो सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आती है एग्जाम्पल की,
जिससे कि हम बेनिफिट को कैलकुलेट करना सीख जाएं। हम मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 30 साल की है, उन्होंने पॉलिसी टर्म कितना हो जाएगा उनका 70 साल का हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 100 में से एंट्री एज घटानी है, तो 70 साल का पॉलिसी टर्म हो गया। प्रीमियम पेमेंट टर्म इन्होंने यहाँ पे ले लिया 15 साल का, और सालाना 1,00,000 रुपए का ये प्रीमियम पे कर रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो बेस सम अजॉर्ड क्या है जी? सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना, तो 10,00,000 रुपए का हमारे यहाँ पे बेसिक सम अजॉर्ड हो गया, जिसके ऊपर हमारे जो गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट है, नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट है, उसकी कैलकुलेशन होगी। डेथ बेनिफिट फैक्टर हमारा यहाँ पे होगा 13.50, सालाना बेसिक प्रीमियम में 13.50 का गुणा कर देंगे तो 13,50,000 रुपए का हमारे यहाँ पे सम अजॉर्ड ऑन डेथ हो जाएगा। वीडियो को आप फुल स्क्रीन पे कर लीजिए और हाई रेजोल्यूशन पे देखिएगा, तो 30 साल की उम्र पे जो डेथ बेनिफिट फैक्टर है वो 13.50 है, यानी कि 13.50, और डेथ बेनिफिट फैक्टर को डेथ बेनिफिट मल्टीप्लाई कहा गया है। तो पॉलिसी के 7 साल कंप्लीट होते ही क्या मिलेगा? नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम, राइट। अब ये जो नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम का जो रेट है हमने यहाँ पे 2.5% मान लिया, अब ये ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, राइट। हम एक ऑन एन एवरेज 2.5% का मान के चल रहे हैं अपनी तरफ से। अपनी तरफ से क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जब आप बोनस का PDF देखेंगे जो ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है, उसमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कि इनकी वेबसाइट से हमने लिया, राइट। तो इस वजह से हम मान के चल रहे हैं। अब 7 साल कंप्लीट होने के बाद से मिलना शुरू होगा, तो ऐसे में नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट का जो पीरियड है वो 63 साल का होगा, यानी कि सालाना 25,000 रुपए के आसपास ये बैठ सकता है। 25,000 में आप 63 का गुणा कर देंगे तो पॉलिसी टर्म के दौरान जितना भी नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट 2.5% की दर से मिल सकता है वो 15,75,000 रुपए का हो सकता है, ठीक है, जो हम मान के चल रहे हैं उसके अनुसार। अब बात आती है गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट की, जो कि हमारे बेसिक सम अजॉर्ड का एक निश्चित प्रतिशत होगा, जो कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद से मिलना शुरू होगा, यानी कि 15 साल प्रीमियम पे करने के बाद से। वीडियो को आप कर लीजिए फुल स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से ये चीज यहाँ पे समझिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सालाना बेसिक प्रीमियम हमने 1,00,000 रुपए का चुना है, यहाँ पे विंडो दे रखी है 1,00,000 रुपए से लेकर के 1,99,000 रुपए तक अगर प्रीमियम होगा तो यही फैक्टर अप्लाई होंगे। 15 साल का हमारे यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो चार्ट कहता है कि प्रीमियम पेमेंट टर्म से लेकर के प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 29 यानी कि 29 को उसमें जोड़ दें तो इतने साल तक हमारे बेस सम अजॉर्ड का 4% हमें गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा सालाना किस्तों में, ठीक है जी। PPT हमारा कितने साल का है? 15 साल का है। PPT में कितने जोड़ने हैं हमें? 29, तो 29 में 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 44, यानी कि पॉलिसी के 15वें साल के अंत से लेकर के 44वें साल के अंत तक 4% की दर से मिलेगा। फिर उसके बाद में क्या लिखा है जी? PPT में जोड़ रहे हैं 30, तो 15 में 30 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा। फिर PPT में जोड़ रहे हैं हम 59 यानी कि 59 जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़िए 74 के आसपास आ जाएगा, एग्जैक्टली 74 ही आएगा कि 45 ईयर्स से लेकर के 74 ईयर्स तक बेसिक सम अजॉर्ड का 3% की दर से गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा। अब हमारा जो पॉलिसी टर्म है यहाँ पे वो केवल मात्र 70 साल का है, तो 74वें साल तक हम जाएंगे ही नहीं। 70 में से हम सीधा 45 घटा दें तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो यानी कि जो 4% की दर से हमें जो मिलेगा गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट वो 29 साल मिलेगा, और जो 3% की दर से हमें मिलेगा गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट वो 25 साल मिलेगा। दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल 54 साल तक मिलेगा। अब 54 में आप 15 साल अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के जोड़ देंगे तो सिर्फ एक साल ही बचेगा मैच्योरिटी का। मैच्योरिटी पे क्या मिलना आगे बताएंगे। तो गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट जो पहले 29 साल है गारंटेड इनकम पीरियड के जो मिलेगा, जो हमारा बेस सम अजॉर्ड है 10,00,000, उसका 4% मिलेगा, यानी कि 40,000 रुपए सालाना मिलता रहेगा पहले 29 साल गारंटेड इनकम पीरियड के दौरान, राइट। 40,000 में 29 का गुणा कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 11,60,000 रुपए का। फिर इसके बाद में 3% की दर से मिलेगा, यानी कि जो आखिरी के 25 साल होंगे गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट पीरियड के, उस दौरान बेसिक सम अजॉर्ड हमारा 10,00,000 रुपए का, उसका 3% यानी कि 30,000 रुपए हर साल 25 साल तक मिलेगा। 30,000 में आप 25 का गुणा कर देंगे तो 7,50,000 रुपए का ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब देखिए सालाना इनकम बेनिफिट कितना मिल सकता है पहले 29 साल में। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट है वो 25,000 रुपए के आसपास हो सकता है हर साल, और जो गारंटेड इनकम है पहले 29 साल के लिए वो 40,000 है, यानी कि जो गारंटेड इनकम बेनिफिट के 29 साल होंगे पहले वहां पे 65,000 रुपए के आसपास हर साल मिलेगा, और जो लास्ट जो 25 साल रह जाएंगे गारंटेड इनकम पीरियड के उसमें नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट अगर जोड़ दें तो 55,000 रुपए सालाना मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे टोटल कर ले अगर गारंटेड इनकम बेनिफिट का, गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट का 11,60,000 में अगर हम 7,50,000 रुपए को जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो हमारा टोटल गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट हो जाएगा वो 19,10,000 रुपए का हो जाएगा, राइट, ओवरऑल पीरियड का मिला के, ओके।
पॉज करके पढ़ लीजिएगा, आराम से समझ आ जाएगा, कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अब आ जाएगी मेच्योरिटी। 59 ईयर्स तक तो हमें इनकम बेनिफिट मिलते रहे और 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म था, राइट। तो मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है? गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी प्लस टर्मिनल बोनस प्लस अक्यूमुलेटेड डेफर्ड सर्वाइवल इनकम। हमने यहाँ पे अक्यूमुलेट किया ही नहीं है, हम तो रेगुलर लेते रहे हैं। तो ऐसे में जो टोटल पेड प्रीमियम होगी 15 लाख होगा प्लस टर्मिनल बोनस इनको मिल जाएगा। अब टर्मिनल बोनस का अमाउंट कितना क्या हो सकता है एग्जैक्टली कंपनी बता सकती है। और देखिए मैंने यहाँ पे अक्यूमुलेटेड जो सर्वाइवल इनकम बेनिफिट है वो इस वजह से नहीं लिया है क्योंकि अगर इकट्ठा ही करना है, रेगुलर इनकम लेनी ही नहीं है, तो हम इसी कंपनी को कोई दूसरा प्लान देख सकते हैं ना। इस प्लान की यूएसबी यही है। तो टोटल नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट है यहाँ पे 15,75,000, 19,10,000 रुपए का आपको गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट हो गया और कम से कम 15 लाख का मेच्योरिटी बेनिफिट। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए की जो मृत्यु है पॉलिसी के 20 साल कंप्लीट होने पे हो गई, शुरुआत के 20 साल यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के 5 साल बाद। तो ऐसे में जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है वो 13,50,000 रुपए का है और जो गारंटेड सर्वाइवल इनकम इनको मिलनी थी वो 4% की दर से मिलती क्योंकि पहले 29 साल पूरे नहीं हुए, उससे पहले ही हो गई है, तो 40,000 रुपए वो हो गए। नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट के 25,000 रुपए, राइट। कैसे कैलकुलेट किया था अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा तो आपको जरूर याद होगा। डेथ बेनिफिट हमारा क्या कहता है? सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में गारंटेड सर्वाइवल इनकम और नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम प्लस टी बोनस यानी कि टर्मिनल बोनस, और इसके साथ में अगर हमने सर्वाइवल बेनिफिट को अक्यूमुलेट किया होता यानी कि इकट्ठा किया होता तो वो भी होता, राइट। हमने ऐसा यहाँ पे नहीं किया है। अब हम 13,50,000 में 40,000 को जोड़ देंगे, 40,000 में जोड़ देंगे हम 25,000 को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट है 14,15,000 रुपए के आसपास ये हो जाएगा प्लस टर्मिनल बोनस, राइट। अब टर्मिनल बोनस एग्जैक्टली कंपनी बता सकती है। अब डेथ बेनिफिट में एक चीज और कह गई है, टी का मतलब है टोटल, पी का मतलब है प्रीमियम, ए का मतलब है एनुअलाइज्ड, पी का मतलब है प्रीमियम। इसका सीधा मतलब है कि जो टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम है उसका 105% निकाल के जो डेथ बेनिफिट है उससे हम कंपैरिजन कर देते हैं। तो टोटल पेड प्रीमियम 15 लाख है, उसका आप 105% निकालेंगे तो 15,75,000 रुपए का अमाउंट ये हो जाएगा। तो यही अमाउंट ज्यादा होगा, यही होगा यहाँ पे डेथ बेनिफिट जो श्रीमान ए के नॉमिनी को मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे रह गई है इन्फॉर्मेशन सरेंडर वैल्यू के बारे में और पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे इसके लिए। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बाकी अगर आप रेफरेंस सेक्शन चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते और इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह ही ट्रीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।